पैरासिटामोल ये काफी कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है एंड आई थिंक आपने भी इसका नाम सुना ही होगा। हे गाइस एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज के इस वीडियो में हम पैरासिटामोल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिर पैरासिटामोल क्या होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैरासिटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन कहा जाता है, एक पेन रिलीवर और फीवर रिड्यूसर है। एसिटामिनोफेन यूज होती है माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए और साथ ही इसको मॉडरेट टू सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए भी ओपीएच के साथ यूज किया जाता है या फिर इस ड्रग को सिंपली फीवर रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। कई कॉमन कंडीशंस हैं जो पैरासिटामोल ठीक करती है, जैसे कि हेडेक, मसल एक्स, अर्थराइटिस, बैक एक, टूथ एक, सोर थ्रोट, कोल्ड, फ्लू और फीवर। एसिटामिनोफेन कई ओवर द काउंटर कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस में दूसरे ड्रग्स के साथ मिल जाती है, जैसे कि एक्टिफेड, अल्का सेल्जर प्लस लिक्विड जेल्स, कोरिसिडिन, डेक्यूल, पैनाडोल, थेराफ्लू, विक्स एंड मेनी मोर। एसिटामिनोफेन कई प्रिस्क्रिप्शन कॉम्बिनेशन ड्रग्स में भी मिलती है और इनमें आते हैं बुटालबिटाल, एंडोसेट, हाइकोटेब, हाइड्रोसेट, लोटैब, फिनाफेन, टाइलॉक्स, अल्ट्रासेट एंड मेनी मोर। पैरासिटामोल ज्यादातर ओरली ली जाती है, लेकिन इसको इंट्रावेनसली यानी कि वेन्स में भी इंजेक्ट किया जाता है। तो पैरासिटामोल बॉडी में कैसे वर्क करती है? एसिटामिनोफेन, जिसे कॉमनली पैरासिटामोल कहा गया है, ये बिलोंग करती है उन क्लास ऑफ पेनकिलर्स को जिन्हें नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं। इस क्लास को ड्रग्स में एस्पिरिन और ट्रेडिशनल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज आते हैं, जैसे कि इबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन, और साथ ही न्यूअर COX-2 इनहिबिटर्स जैसे कि सेलेक्सकोबिक्स, जो पॉपुलरली सेलिब्रेक्स नाम के साथ जाना जाता है। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स या पैरासिटामोलिक एंजाइम को वर्क करने में रोकती है, जिसे साइक्लोऑक्सीजिनेज COX कहते हैं। COX एक कैटलिस्ट है जो सेल वॉल्स में फैटी एसिड, जिसे एराकिडोनिक एसिड कहा जाता है, उसे कन्वर्ट करती है प्रोस्टाग्लैंडिंस में। प्रोस्टाग्लैंडिंस के बॉडी में कई प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर भी दे सकते हैं। ये किसी सेल इंजरी के बाद पेन एंड इन्फ्लेमेशन करता है मोस्टली। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की साइट पर, यानी जो नर्व्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती है, लेकिन साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होती है। इससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है ब्रेन के हीट रेगुलेटिंग सेंटर रीजन को, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। COX को ब्लॉक करने से प्रोस्टाग्लैंडिंस का प्रोडक्शन सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दोनों फीवर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है। लेकिन पैरासिटामोल बाकी नॉन ओपियोइड से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये COX की तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज ज्यादा हद तक नहीं रोक पाती है। ये एक से ज्यादा मैकेनिज्म से पेन रिड्यूस करती है, प्राइमरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये पॉसिबली COX के दूसरे फॉर्म को रोकने में हेल्प करती है, जिसे COX-3 कहा जाता है। इसलिए पैरासिटामोल को वीक एनाल्जेसिक्स की तरह ही कंसिडर किया जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि पैरासिटामोल हेडेक, फीवर और माइनर एक्स एंड पेन्स के लिए काफी अच्छी है, लेकिन इससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस नहीं होता है। यानी पैरासिटामोल से पेन को रिलीफ जरूर मिल सकता है, लेकिन उस पेन का जो मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए हमें पैरासिटामोल लेने से पहले, ये अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल को तब नहीं लेना चाहिए अगर कोई इससे एलर्जिक है या फिर उसे सीवियर लिवर डिजीज है। इस मेडिसिन को डॉक्टर की एडवाइस लिए बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी को अल्कोहलिक लिवर डिजीज या सिरोसिस है या फिर कोई पर डे 3 से ज्यादा अल्कोहलिक बेवरेजेस लेता है, तो वो पैरासिटामोल नहीं ले सकता है। डॉक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कंडीशंस देखकर कि क्या एसिटामिनोफेन लेना सेफ है प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर नहीं। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस लिए बिना बिल्कुल भी यूज ना करें।
साथ ही पैरासिटामोल ब्रेस्ट मिल्क में पास हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड में डॉक्टर से कंसिडर करना चाहिए इस मेडिसिन को यूज करने के लिए। इस मेडिसिन को 2 साल और उससे कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर एडवाइज ना करे। पैरासिटामोल के ओवरडोज से लिवर डैमेज भी हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। अडल्ट और टीनेजर्स जिनका 50 केजी से कम वेट हो उन्हें एक बार में 1000 mg या मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए इस मेडिसिन को, या फिर 24 आवर्स में 4000 mg से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 12 इयर्स से कम के बच्चों को 24 आवर्स में 5 डोजेस से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और बस उतने नंबर के मिलीग्राम्स पर डोज यूज करना चाहिए जो रिकमेंडेड है लेबल पर वेट और एज के अकॉर्डिंग। पैरासिटामोल लेने के बाद दूसरी मेडिसिन अवॉइड करें जिसमें एसिटामिनोफेन हो। ये अक्सर APAP से मेंशन होता है वरना फेटल ओवरडोज हो सकता है। फॉरेन डॉक्टर के पास जाएं अगर इसको लेने के बाद रेयर सिम्टम्स आपको फील होने लगे जैसे कि नौसिया, अपर स्टमक में पेन, इचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल या फिर जॉइंटिस जिसमें स्किन और आईज येलो हो जाती हैं। तो अगर आपने कोई डोज मिस कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? क्योंकि पैरासिटामोल तब ली जाती है जब उसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए शायद इसका कोई डोजिंग शेड्यूल जो है वो ना हो। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आप इस मेडिकेशन को रेगुलरली ले रहे हैं, जो डोज मिस हो गया है उसको फौरन ले लें जैसे ही याद आए, वरना अगर ऑलमोस्ट नेक्स्ट शेड्यूल्ड डोज का टाइम आ गया हो तो पहले वाले डोज को स्किप कर दें। एक्स्ट्रा मेडिसिन ना लें उस पुराने डोज के लिए जो ऑलरेडी मिस हो गया है। तो गाइज आई होप आपको पैरासिटामोल के बारे में साइंटिफिकली सब मालूम हो गया होगा। ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में इस मेडिसिन को यूज करते वक्त होपफुली आपके काम आ सकती है। तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी अवेयर करें। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैमडिया एंड हिट द बेल आइकन। शेयर आवर वीडियो। टेक केयर। स्टे सेफ। रिगार्ड्स ग्लैमडिया।